नालागढ़ पुलिस ने दबोटा के समीप आर्म्स एक्ट के तहत दो युवकों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार जब दबोटा एसी चौकी प्रभारी विजयपाल अपनी टीम के साथ गश्त पर थे, इसी दौरान एक गाड़ी को रोका गया तो गाड़ी में दो युवक सवार थे और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से एक बिना लाइसेंसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। युवकों की पहचान प्रदीप चौहान और निशांत कुमार के तौर पर हुई है। दोनों युवक बद्दी के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से उनको 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। इस मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी नवदीप ने बताया कि रात के समय दबोटा पुलिस ने गश्त के दौरान एक गाड़ी को रोका, इसमें दो युवक सवार थे और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगामी कार्रवाई की जा रही है। आगामी जांच में यह खुलासा होगा कि यह देसी कट्टा युवकों ने क्यों रखा था और कहां से लेकर आए थे। सर, एक पिस्टल का मामला है सर, रात ये कहां से पकड़ा, कौन लोग थे सर, कहां से आ रहे थे ये सर? ये दबोटा की तरफ से आ रहे थे, नसराली पुल में हम लोगों का एक हमने चेकिंग की थी, तो चेकिंग के दौरान ये पकड़े गए। दबोटा के प्रभारी और एक इनसे कट्टा और 5 राउंड बरामद हुए। इनका नाम प्रदीप चौहान और निशांत है। ये बद्दी के रहने वाले हैं, मानपुरा गाँव के रहने वाले हैं और एक गली का लोकल है नालागढ़ से। रिपोर्टर अनवर हुसैन की विशेष रिपोर्ट।